नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यो मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो रोज मिलाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में और एक नई स्ट्रैटेजी बनाने में। आप अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो आप अपने क्वेश्चन हम तक भिजवा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने क्वेश्चन हमें yomani@nw18.com ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #askawazyomani लिखकर। आज के गेस्ट से अब बातचीत करते हैं। मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विरल नमस्कार, स्वागत है आपको। और विरल से बातचीत करेंगे, क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले फोकस करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर, कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मायने क्या हैं, कैसे आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंपाउंडिंग के जरिए एक अच्छा एक्युमुलेशन कर सकते हैं, या कैसे बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है लॉन्ग टर्म में। विरल बताइए पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। नमस्कार दीपाली जी, शुक्रिया आपने ये शो पे बुलाया मुझे। देखिए, वैसे जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं, ऐसा कहते हैं कि ये एक 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड है। 7 अजाइबी तो हमको पता ही है, ये भी एक 8वां अजूबा है। क्यों है? अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, ये मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को पहले एक मैं एक दृष्टांत से मैं ये समझाना चाहूँगा कि हम जब कहीं पे शिमला जाते हैं या ऐसे कोई बर्फ़ वाली कोई जगह पे जब जाते हैं, तभी हमको एक आदत होती है कि हम एक बर्फ़ का गोला बनाते हैं। अभी जब हम वो बर्फ़ का गोला बनाते हैं और वो गोला बना के जब हम उसको फेंकते हैं, तो जैसे वो नीचे 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 जाता है, तो जो भी आजू बाजू में जो भी और बर्फ़ रहती है उसको साथ में लेकर एक बड़ा सा एक हमने शुरुआत की होती है एक छोटे से गोले से, और जैसे ही उसको हम नीचे फेंकते हैं और नीचे फेंकते फेंकते वो स्नोबॉल जो कहता है, वो हम उसको कहते हैं, वो स्नोबॉल एक छोटे से फिर वो बड़ा बन के एंड में वो रुक जाता है, राइट? तो वो जो बड़ा बनता है, यही एक उसको हम अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर हम हिंदी में कहें चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये भी बहुत ही एक अच्छी असरकारक काम करता है हमारे इन्वेस्टमेंट में। अभी उसके बेनिफिट क्या होते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के, हमारे इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट है हायर ग्रोथ। अगर हम देखेंगे ना, तो अगर ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, कोई भी हम निवेश करें, म्यूचुअल फंड हम ले ले या स्टॉक मार्केट में कोई इक्विटी स्टॉक में हम अगर निवेश करते हैं, तो पर्टिकुलरली वो उसका जो ड्यूरेशन है, यानी जो इन्वेस्टमेंट का रखने का हमारा जो टाइम फ्रेम है या तो ड्यूरेशन है, वो लंबा होना चाहिए। जितना लंबा हम रखेंगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब एक सही तरीके से वही है कि एक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना और बड़ा बनना। तो जितना लंबे अवधि तक हम रखते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को, तब वो हमको हायर ग्रोथ दे सकता है। दूसरा है वेल्थ प्रिजर्व करता है। अगर हम जब भी हम निवेश की बात करते हैं दीपाली जी, तभी हम बात करते हैं कि मेरा वेल्थ प्रोटेक्ट कैसे रहे, प्रिजर्व कैसे रहे। हम जब वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो हम इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा जरिया है कि अगर हम निवेश करते हैं लंबे समय तक करते हैं, तो इन्फ्लेशन को वो बीट करने में काम आता है। हमारा जो भी निवेश है, म्यूचुअल फंड हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में हमने कोई स्टॉक लिया हो, तो वो हमको इन्फ्लेशन बीट करने में काम आता है। फिर तीसरी चीज़ है हमारा जो गोल है, फाइनेंशियल गोल। तरीके से हम हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो फाइनेंशियल गोल अचीव करने में भी हमको पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छी तरीके से काम आता है। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो हम जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है हमको ध्यान में रखनी है? पहली तो हमको इन्वेस्ट जल्द से जल्द करना है। जैसे ही मेरी कंपनी में, कोई भी कंपनी में मैं जुड़ जाता हूँ या मेरी जॉब स्टार्ट होती है, तो जितना जल्दी हो सके मुझे मेरा निवेश स्टार्ट करना है, और वो निवेश है मुझे वो रेगुलरली करना है। स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली, उसका फायदा पावर ऑफ कंपाउंडिंग होने से काफ़ी अच्छी तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट पे पड़ सकता है। री इन्वेस्टिंग योर डिविडेंड एंड इनकम। हम स्टॉक मार्केट में जब कोई इक्विटी में करते हैं, तो हमको बार बार डिविडेंड्स मिलते हैं, तो वो डिविडेंड को भी इन्वेस्ट करना, वो भी एक बहुत ही अच्छा काम हो सकता है हम इन्वेस्टमेंट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से क्या हो सकता है कि जो भी हमको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट को वापस से हम हमारे निवेश में जोड़ते हैं, या हमको जो डिविडेंड मिलता है वही डिविडेंड को हम अगर हमारे निवेश में जोड़ते हैं, तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी वो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में जुड़ना और आगे जाकर बहुत बड़ा बनना, वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है। और जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं दीपाली जी, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो वो भी
काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए, यानी ऐसा कह सकते हैं कि मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हमेशा ध्यान रखें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इग्नोर ना करें। हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो वो डिसिप्लिन वाला होना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, हमको धैर्य रखना चाहिए जब भी हम निवेश करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ध्यान में रखकर। हमको हमारी एक्सपेक्टेशन भी एकदम रियलिस्टिक रखनी है, यानी हम जब निवेश करते हैं तो हम, जैसे हम हमारे शो में हमेशा कहते हैं, हम एक अनुमान लेकर चलते हैं, 12% अनुमान, क्योंकि इक्विटी में 12% 14% हमको हमेशा म्यूचुअल फंड में मिलते आता दिख रहा है, फ्यूचर में शायद से ना मिले, बट एक एक्सपेक्टेशन लेकर अच्छी तरीके से लेकर चलना है। और हमारा जो गोल है, हमारा जो ध्येय है, हमको जो हासिल करना है उसके ऊपर फोकस रखना है। अगर हम ये तीन चीज़ अच्छी तरीके से करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा हमारे निवेश में हमको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकता है। ओके चलिए, तो ये आपको एक काफ़ी डिटेल में विरले समझाया है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं कंपाउंडिंग के, कैसे इन्वेस्टर्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमेशा ध्यान रखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा बेनिफिट देती है। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अखिल शर्मा अलवर राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड है। अखिल नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम। मैम मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है और मैं इस समय 20,000 रुपये SIP कर रहा हूँ मैम, और मेरे फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 5,000 रुपये, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप में 5,000, SBI कॉन्ट्रा में 5,000 और निप्पन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000। मेरे लमसम भी है मैम कुछ, कोटक फ्लेक्सी कैप में मेरे पास इस समय 3,45,000 रुपये और HDFC फोकस में 1,27,000, HDFC बैलेंस एडवांटेज में 1,25,000 है। okay. और HDFC फ्लेक्सी कैप में मेरे पास इस समय 3,25,000 रुपये है। तो मैं जानना चाह रहा था कि मेरे के फंड कुछ ज़्यादा हो गए हैं मुझे शायद लग रहा है, क्या है सही है फंड या, और मुझे 5 करोड़ चाहिए 23 साल के बाद, ये है सवाल। ठीक है, तो आपके पास दो पोर्टफोलियो हो गए बेसिकली, अब एक लमसम पोर्टफोलियो हो गया, एक SIP पोर्टफोलियो। SIP पोर्टफोलियो में 4 फंड्स हैं, लमसम में भी 4 फंड्स हैं, कनेक्ट जो आपने नेम मेंशन किए। जी मैम। ओके, एक चीज और बताइए, टोटल पोर्टफोलियो लमसम प्लस SIP कितना हो चुका है अभी, कुछ आइडिया है? हाँ मैम, 21,40,000 रुपये के आसपास है। ओके ठीक है, तो विरल आपने सुना है इनका सवाल, इनके पास 4 फंड्स है जहाँ पर ये मंथली SIP कर रहा है, ICICI प्रोडेंशियल मल्टी कैप, कोटक एमर्जिंग इक्विटी, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, चारों में 5,000 ईच डाल रहे हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट इनकी 55,000 है, मोतेरा सुवा लार्ज मिड कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज में 1,25,000, HDFC फोकस सटी में 1,25,000, कोटक फ्लेक्सी कैप में लगभग 3,50,000 रुपये हैं। 21 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, 5 करोड़ का टारगेट है 23 ईयर्स में, बताइए क्या सजेशन इनके लिए? अखिल जी को सजेशन यही है दीपाली जी के, देखिए उनके SIP के फंड्स सही है, लमसम फंड की जब हम बात करते हैं तो लमसम फंड में उनके HDFC के कम से कम 3 फंड HDFC के है, तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि वो तीनों फंड को वो निकाल दे, राइट। और जो उनके SIP के जो फंड है, जैसे ICICI प्रू का जो मल्टी कैप फंड है, कोटक इमर्जिंग जो एक फंड है, और SBI का कॉन्ट्रा फंड है, यही SIP के ये 3 फंड में, मैंने जो ये 3 फंड कहे उसमें ही वो अभी के जो लमसम है उसमें वो शिफ्ट कर सकते हैं। अगर उनको शिफ्टिंग नहीं करना है तो ये दोनों पोर्टफोलियो अलग अलग तरीके से वो देख कर संभाल सकते हैं, ठीक है। पर HDFC के 3 फंड है वो मेरे लिए थोड़ा सा वरिंग फैक्टर है, क्योंकि 5 लमसम फंड में 3 HDFC के फंड है। हालांकि जो उनका गोल है वो तो डेफिनेटली वो आसानी से वो अचीव कर पाएंगे, अगर उनकी जो अभी की जो उनकी जो जमा राशि है कम से कम 21 लाख की वो जो जमा राशि है, और अगर मैं यहाँ से उनका जो टारगेट है 23 साल के बाद उनका कम से कम 5 करोड़ का जो टारगेट है वो आसानी से वो हासिल कर पाएंगे। और उनका एक क्वेश्चन ये भी था कि उनको कुछ एक करंट रेगुलरली SWP भी करना है, तो वो भी आसानी से वो कम से कम 30 साल तक वो SWP लेकर अपना 23 साल में 5 करोड़ का जो टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे। ओके चलिए, तो राय दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर अखिल, और 5 करोड़ का एक्यूमुलेशन आप आसानी से कर सकेंगे मौजूदा आपकी जो SIP है उससे, तो आप इन्वेस्टेड रहिए। बाकी आपके फंड कैटेगरीज को लेकर बताया गया है, सिलेक्शन आपका अच्छा है, लेकिन हमेशा हर इन्वेस्टर के लिए इनफैक्ट ये सजेशन है कैटेगरीज के साथ साथ AMCs यानी फंड हाउसेज में भी डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्रमोद धुमाल हमारे साथ पुणे से मौजूद हैं। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए सवाल।
हाँ नमस्कार मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है आपको। छह फंड है मैडम, तो मेरे यहाँ में से एक बंद करना है और एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करना है इसमें, तो कौन सा फ्लेक्सी कैप अच्छा रहेगा ये पूछना था मैडम। बंद कौन सा करना है आपको, कोई भी एक फंड हटाना है आपको पोर्टफोलियो से? हाँ यस मैडम, कोई भी एक फंड बंद करके उसके जगह एक फ्लेक्सी कैप ऐड करना है मेरे को। और आपका कितना अभी इकट्ठा कितना कर लिया आपने पोर्टफोलियो में वैल्यू? 3,70,000 अभी टोटल है। और आपने मेंशन किया 25 साल में 5 करोड़ का टारगेट है, करेक्ट? हाँ राइट मैडम। ठीक है, तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। पहले मैं इनके फंड्स बता दूं क्विकली विरल। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आईसीसी प्रो लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, तीनों में 5,000 ईच डाल रहे हैं, 4,000 ईच डाल रहे हैं। तीन और फंड्स हैं, एसबीआई मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक स्मॉल कैप। फंड का सिलेक्शन कैसा है, प्लस एक फंड को हटा के ये कोई भी एक फंड को हटा के फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, तो एक सवाल तो इनका वो हुआ। दूसरा ये 4.25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 27,000 की टोटल एसआईपी, 5 करोड़ का टारगेट है 25 साल में। दीपाली जी, प्रमोद जी को सजेशन, पहला सजेशन यही रहेगा कि डेफिनेटली आपके फंड में, आपके पोर्टफोलियो में दो मल्टी कैप है, तो एचडीएफसी का जो मल्टी कैप है वो मल्टी कैप निकाल कर आप एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप को आप ऐड करिए आपके पोर्टफोलियो में। तो जो आपको फ्लेक्सी कैप ऐड करना है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आप ऐड करिए आपका एचडीएफसी मल्टी कैप को निकाल के। हालांकि आपका जो टारगेट है, डेफिनेटली आपका जो प्लानिंग है वो हिसाब से आपका टारगेट आप आसानी से हासिल कर पाएंगे, जो है 25 सालों में 5 करोड़ का, 12% अनुमान से मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो। और अभी आपकी करंट वैल्यू है आपकी पोर्टफोलियो की 3,70,000 के आसपास, तो वो उसको भी जोड़कर अगर मैं अनुमान लगाता हूँ तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट है वो आप हासिल कर पाएंगे। ओके, तो पोर्टफोलियो में सिर्फ एक बदलाव करना है, एचडीएफसी मल्टी कैप की जगह एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आप शामिल कर लीजिए, कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे आसानी से इस पोर्टफोलियो के साथ। तो इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन को लेंगे। विरल भट्ट बने हुए हैं, जब वापस आते हैं। मनी विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं, बात करते हैं कुछ और कॉलर से, और अगले कॉलर मंजुल उज्जैन से हमारे साथ कनेक्टेड है। मंजुल नमस्कार, बताइए सवाल। तो देख नहीं पा रही हूँ, मेरा सवाल यह है कि मैं रिटायर्ड हूँ, पेंशनर हूँ, और मैंने 65 की एज में अपना अकाउंट खोला था एनपीएस। अब मैं उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? कितना टाइम हो चुका आपके इस एनपीएस अमाउंट को, कितना बताया आपने? मैं 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए, ठीक है। तो एनपीएस रिलेटेड सवाल है इनका, बताइए विरल क्या सजेशन। 3 साल हो गए हैं, कुछ पैसे डाले हैं एनपीएस में, विड्रॉल करना चाहती हैं, कब कैसे कर सकती हैं, प्लीज बताइए। देखिए, जब हम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो थोड़ा सा विड्रॉवल, डेफिनेटली पहला एक क्लियर कट आंसर तो यह है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पर कुछ कंडीशंस होती हैं। थोड़ा सा और डिटेल्स अगर वो देते तो शायद से मैं और क्लैरिटी से दे सकता था जवाब, पर विड्रॉवल कर सकते हैं। आपने कौन से, क्योंकि उसमें देखिए एनपीएस में दो टायर होते हैं, टायर 1 टायर 2, राइट, तो उन्होंने कौन से टायर में इन्वेस्ट किया है वो समझना जरूरी है। टायर 2 और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कंपेयर टू टायर 1 एज फार एज विड्रॉवल इज कंसर्न, यानी टायर 2 में आप आसानी से विड्रॉवल कर सकते हैं, इतना कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टायर 1 में कुछ रिस्ट्रिक्शन से के साथ कर सकते हैं वो, ठीक है। और अगर उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा कि अभी एज उनकी 68 है और उन्होंने 65 ईयर्स के टाइम पे उन्होंने एनपीएस में किया था, 3 साल हो गए हैं, अगर उन्होंने निवेश के टाइम अगर वो टैक्स बेनिफिट लिया रहेगा ATC में, तो 3 साल तक का लॉक इन है, 3 साल के पहले वो निकाल नहीं सकते हैं अगर उन्होंने ATC का बेनिफिट लिया है एनपीएस का तो, राइट। और कुछ कंडीशंस अगर होती है उनके लाइफ में, वो कंडीशंस को देखकर भी एनपीएस की जो बॉडी है वो विड्रॉवल परमिट कर सकती है। जैसे सपोज उनको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या बच्चों के शादी के लिए चाहिए, या हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, या कोई ऐसी बीमारी आ गई उसके लिए पैसा चाहिए, तो ऐसे सब कंडीशंस में भी आपको पार्शल विड्रॉवल का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप पहले देखिए कि आपका कौन सा टायर में, कौन से टायर 1 में है या टायर 2 में आपने निवेश किया है, और वो देखकर फिर विड्रॉवल डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो सलाह दी गई है आपको और अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिए कि आप विड्रॉल तो डेफिनेटली कर सकती हैं, लेकिन टियर 2 में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी टियर 1 सिटीज़ में थोड़ी सी, टियर 1 कैटेगरी में थोड़ी सी कम होती है,
लेकिन इमरजेंसी में उसमें भी पैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये आपको चेक करना होगा, कुछ कंडीशंस मेंशन करके भी आप टियर वन अकाउंट से विड्रॉवल ले सकती हैं, जैसे बच्चों की शादी हुई, मैरिज हुई, बीमारी है, घर कंस्ट्रक्शन करना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको चेक करना पड़ेगा। बात करेंगे अब अनीश से, नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। अनीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैम मैंने ना कुछ स्मॉल कैप निकॉन स्मॉल कैप में 5000 इन्वेस्ट किया है, एक्सिस स्मॉल कैप में 5000, मेरे एसेट एमर्जिंग में 2500, आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी में 2500, बंधन ईएलएस में 5000, एचडीएफसी टैक्स सेवर में 5000। 15 साल के ड्यूरेशन में मैं कितना एक्युमुलेट कर पाऊंगा? टारगेट मेरा मोटा मोटा 5 करोड़ का है और अभी तक मैं 10 से 15 एक्युमुलेट कर चुका हूँ। तो 10 से 15 लाख के एक्युमुलेशन कर चुके हैं, 5 करोड़ का टारगेट 15 साल में, 25,000 की मंथली एसआईपी चल रही है। फंड्स के नेम इन्होंने मेंशन किए, इनके पास बंधन ईएलएस टैक्स सेवर, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप है 5000 ईच, एचडीएफसी ईएलएस टैक्स सेवर भी 5000 ईच है, बाकी 2500 ईच डाल रहे हैं मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, एसेट्स ग्रुप वैल्यू डिस्कवरी में। बताइए क्या सजेशन इनके लिए? अनीश जी को सजेशन ये है दीपाली जी के, देखिए उनके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप है, तो वो 2 स्मॉल कैप में से 1 स्मॉल कैप निकाल लीजिए। देखिए जैसे अभी उनका जो स्मॉल कैप है यानी एक्सिस स्मॉल कैप में से निकलने की मैं सलाह दूंगा, वो एक फंड या तो मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं या तो वो ऐड कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप में वो निपॉन का ऐड कर सकते हैं, राइट, निपॉन का स्मॉल कैप ऑलरेडी है तो निपॉन का मल्टी कैप अगर वो ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या तो पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप ऐड करिए अपने पोर्टफोलियो में, मल्टी कैप या तो फ्लेक्सी कैप ऐड करिए, पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं। 5 करोड़ का जो उनका टारगेट है 15 सालों में तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे, कम से कम यहाँ से 15 सालों में वो 12% अनुमान से 1,75,00,000 ही वो अचीव कर पाएंगे। अगर उनको टारगेट है उनका जो वो कह रहे हैं कि 5 करोड़ का उनका टारगेट है, कम से कम वो 5 करोड़ करने के लिए उनको 95,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी 12% अनुमान से, तो ही वो 15 सालों में अचीव कर पाएंगे, राइट। और या तो वो 15 साल का जो टारगेट है उसको अगर एक्सटेंड कर वो 25 साल कर सकते हैं तो वो 5 करोड़ हासिल कर पाएंगे, अपने जो उनका टारगेट है 5 करोड़ का 25 सालों में। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है आपके इस पोर्टफोलियो को लेकर। आपको एसआईपी अमाउंट तो डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा और थोड़े से चेंजेस भी आपको अपने पोर्टफोलियो में करने हैं अनीश, जिसमें आप एक स्मॉल कैप से निकल के मल्टी कैप को जगह दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। 5 करोड़ का टारगेट तब पॉसिबल होगा जब आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ाकर 95,000 के आसपास करें, या तो फिर अपना टाइम होराइज़न बढ़ाइए, एक साथ में इंक्रीज कर सकते हैं तो स्लोली ग्रेजुअली कर सकते हैं। मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप की कैटेगरीज आपको बताई गई हैं, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इन फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं ईमेल के थ्रू। चंद्रा मनी पटेल ने नई दिल्ली सवाल भेजा है, 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, किस फंड में निवेश करें वो जानना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने होराइजन मेंशन नहीं किया है कि कितने टाइम के लिए करना है, बट स्टिल कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं तो क्या सजेशन रहेगा? देखिए अभी के मार्केट के हिसाब से अगर एंट्री लेनी है तो मेरे हिसाब से 2 लाख वो फ्लेक्सी कैप में ऐड कर सकते हैं, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं, 1 लाख मल्टी कैप, निपॉन का मल्टी कैप में वो ऐड कर सकते हैं, और 2 लाख आप मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, चल रहा है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड आ सकती है इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद और ये साल पर्टिकुलरली, तो टाटा का मल्टी एसेट या तो आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज, तो 2 लाख आप फ्लेक्सी कैप में ऐड करिए पराग परिक का, 1 लाख आप निपॉन के मल्टी कैप में करिए, और बाकी के जो 2 लाख है वो आप चाहिए तो मल्टी एसेट में कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, इंटरनेशनल इक्विटीज सभी का मिश्रण मिल सकता है, या तो बैलेंस एडवांटेज जो मार्केट की उठा पटक के हिसाब से वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है वो आईसीआईसीआई के इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये सजेशन है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आप मल्टी कैप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं, तो 2 लाख एक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए, 1 लाख एक मल्टी कैप में, 2 लाख आप मल्टी एसेट फंड में डाल सकते हैं। फंड्स के नेम आपके स्क्रीन पर है, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप,
आईसीआईसीआई प्रूफ बैलेंस एडवांटेज टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड, तो ये चार फंड्स हैं, इन चारों में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इस 5 लाख रुपए को, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अपना विजन लेकर चलें तो बेहतर रहेगा। चलिए पूछ लेते हैं अब टॉप 4 फंड्स, विरल के विरल बताइए कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। देखिए टॉप 4 फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी एसेट जो मैंने अभी कहा टाटा मल्टी एसेट वो मेरा पहला सुझाव रहेगा, फिर दूसरा है निपॉन का मल्टी कैप। मल्टी कैप में एक फिक्स्ड एलोकेशन वाइज कैटेगरी वाइज जो होती है लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप, तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से निप्पॉन का मल्टी कैप। क्वांट का एक वैल्यू फंड है वो भी आप पोर्टफोलियो में देख सकते हैं ऐड करना, और आईसीआईसीआई का थीमेटिक फंड जो सारे सेक्टर जो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं सारों सेक्टर का मिलाकर वो एक आईसीआईसीआई का एक थीमेटिक फंड बना है, वो ये मेरे 4 टॉप 4 फंड्स पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओके चलिए तो ये रहा सजेशन आपके लिए टॉप 4 फंड्स विरल के, टाटा मल्टी एसेट, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, क्वांट वैल्यू और आईसीआईसीआई प्रूफ थीमेटिक एडवांटेज फंड। शुक्रिया विरल शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।